हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशनल हब। दोस्तों, वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे। कैसे लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्या काम है, 10 ऐसे काम बताऊंगा वर्क फ्रॉम होम के। आप भी इजी तरीके से उस काम को सीख के और वर्क फ्रॉम होम अपने घर से ही काम करके लाखों रुपए कमा सकते हैं। आपको यकीन नहीं हो रहा है, लेकिन ये सत्य है। टाइम के अकॉर्डिंग चेंज करो अपने आप को। अगर टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम के अनुसार, समय के अनुसार अगर चेंज जो व्यक्ति नहीं करता है, समय उसे रद्दी के टोकरी में डाल देता है। एक कड़वा सत्य है और ये सत्य ही रहेगा। अभी वर्क फ्रॉम होम के बारे में बात करेंगे। अगर आप बेरोजगार हैं, परेशान हैं, इस काम में से कोई भी एक काम को सीख लीजिए, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम सभी काम में नहीं किया जा सकता है। कुछ ऐसे काम हैं, कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं, उसके अंदर ही वर्क फ्रॉम होम आते हैं। ठीक है, तो वर्क फ्रॉम होम आप कर सकते हो अपने घर से और लाखों रुपए महीने का कमा सकते हो, और लोग कमा रहे हैं। ये रियलिटी ऑफ फैक्ट है। जो कमा रहे हो कमा रहे हैं भाई, आपको क्यों आपके साथ शेयर करेगा, वो कमा रहा है। स्मार्ट तरीके से अपने ब्रेन को यूज़ कर रहा है, टाइम के हिसाब से चल रहा है, टाइम के हिसाब से कदम मिला के चल रहा है, वो कमा रहा है, आप भी कमा सकते हो। जल्दी से बताते हो क्या 10 काम है जो एक रिमोट जॉब या वर्क फ्रॉम होम बोला जाता है। सबसे पहले डेटा एंट्री और एनालिसिस का काम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डेटा एंट्री का काम जानते हैं, लेकिन स्टिल बेरोजगार है। वो कंपनी में काम ढूंढ रहे हैं कि मुझे मैन्युअली कोई कंपनी में काम मिल जाए, मैं सुबह जाऊं, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा कंपनी के लिए काम करूं, और कंपनी महीने के लास्ट में मुझे 10,000 15,000 रुपये सैलरी दे। ऐसे काम के पीछे सालों बर्बाद कर दिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो फ्रीलैंसिंग पे अपना प्रोफाइल, अपना पोर्टफोलियो बना करके घंटे का 200 300 500 रुपया घंटे का कमा रहे हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। दुनिया में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है ना। एक होते हैं जो अगर आप कुछ करना चाह रहे हो, उसमें कामयाबी नहीं मिली, तो अपने किस्मत पे थोप करके किस्मत पे उसको डाल देते हैं और बोलते हैं कि भाई हमसे अब नहीं होगा, हमारी किस्मत खराब है। और दूसरे तरह के वो लोग होते हैं, अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। यानी इस रास्ते पे आप जा रहे हो, उस पे कामयाबी नहीं है, बार बार आप फेलियर हो रहे हो, थोड़ा सा डिफरेंट रास्ता ले लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो उस पे लोग आगे बढ़ते हैं, कमा रहे हैं। दूसरा काम है टीचिंग का, ऑनलाइन ट्यूटर। अगर आप एक पढ़े लिखे इंसान हो, एक एजुकेटेड हो, लेकिन स्टिल बेरोजगार हो, अनएम्प्लॉयड है, तो आप टीचिंग का काम कर सकते हो। जो बहुत सारी, बताया ना, फ्रीलैंसिंग ही नहीं, उसके जैसे बहुत सारी वेबसाइट पे, इस पर मैं आगे कभी बात करूँगा, लेकिन अभी बात कर रहा हूँ क्या जॉब्स है, क्या 10 ऐसे कैटेगरीज हैं, क्या 10 ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो। अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में आपका कमांड है, जैसे आप फिजिक्स बहुत अच्छा जानते हो, केमिस्ट्री जानते हो, मैथमेटिक्स के ऊपर में कमांड है आपका, या कोई भी आप सब्जेक्ट हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट के ऊपर में आपका कमांड है, उसको आप ऑनलाइन ट्यूशन का काम दे सकते हैं, ऑनलाइन पढ़ाना शुरू करते हैं, बच्चों को कर सकते हैं, और घंटे के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी और लोग ले रहे हैं। तो आप भी कर सकते हैं, अगर आपके अंदर में थोड़ा सा जुनून है, थोड़ी सी आग होनी चाहिए, आग जरूरी होता है दोस्तों। सोशल मीडिया मैनेजमेंट और डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे लोग, एक मैं कमेंट भी पढ़ रहा था मेरे वीडियो में, एक भाई बोल रहे थे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया, क्या क्या बहुत सारे कोर्स करके बैठे हैं, स्टिल बेरोजगार है। क्यों बेरोजगार हो भाई, जाओ फ्रीलैंसिंग या दूसरे कोई भी वर्क फ्रॉम होम की जो ऐसी वेबसाइट है, उसके ऊपर में आप अपना प्रोफाइल बनाओ, आप अपनी डालो, पोर्टफोलियो बनाओ और काम शुरू कर दो, घंटे के हिसाब से पैसा मिलेगा। जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी या दुबई या सऊदी या दूसरे कंट्री में जाकर ही आपको जॉब मिलेगी और उसी के लिए आप बने हो, पैसा कमा सकते हो, तो कर सकते हो आप, लोग कर रहे हैं, ये भी काम है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं दोस्तों, ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, ठीक है ना। आज की डेट में जो दुनिया चल रहा है, वो ग्राफिक्स का काम ही ज़्यादा है। आप टेलीविज़न देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, मैगजीन पढ़ते हो, कोई भी पंपलेट पढ़ते हो, कुछ भी सोशल मीडिया पर पढ़ते हो, कोई डिज़ाइनिंग पढ़ते हो, सब कुछ ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर में आता है, और बहुत इसकी डिमांड है। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ऐसे लोग भी हैं आज की डेट में जो ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीख के बेरोजगार हैं। क्यों हैं? कहीं ना कहीं ये आपकी भी गलती है, आपकी सोच है, सोच बदलो, जीवन बदलो। जो डिमांड है और आपने काम सीख रखा है, बढ़ो आगे, नौकरी मिलेगी, देखी जाएगी यार, नौकरी मिलेगी तब मिलेगी। अभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग का काम सीख रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, फ्रीलैंसिंग शुरू कर देंगे, वर्क फ्रॉम होम शुरू कर देंगे, पैसा कमाएंगे। कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, यूट्यूब तो आज के डेट में एक यूनिवर्सिटी है, एक स्कूल, एक कॉलेज है, वहाँ से सीखिए, आगे बढ़िए। आइए अगले काम की तरफ चलते हैं, प्रोग्रामिंग एंड वेब डेवलपमेंट्स। कमाल का जॉब है। जो भाई ने भी इस काम को सीखा है, वो कभी भी जीवन में परेशान नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वो परेशान है, तो क्यों परेशान है, मेरे समझ से बाहर है। आप हर हर कदम पे, हर स्टेप पे इसके लिए जॉब
खुला हुआ है, ऑफर खुला हुआ है, कुछ समझ में नहीं आता है, इस काम को आप जानते हो, कंपनी में जॉब नहीं लग रही है, तो आप फ्रीलैंसिंग पर भी आजमा सकते हो। आप तो घर पर बैठे हो, सालों से बैठे हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो चलो ठीक है, टाइम वेस्ट तो वेस्ट ही सही, तो क्यों नहीं एक फ्रीलैंसिंग, एक ऐसे वेबसाइट पे आप अपने प्रोफाइल को बनाइए जहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए जॉब प्रोवाइड करती है। धीरे धीरे आपकी इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, काम मिलता जाएगा, आपको एक्सपीरियंस होती जाएगी, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, पैसा आपको मिलेगा। तो नहीं कुछ करने से बेहतर है कि कुछ किया जाए। दोस्तों आइए अगले काम की तरफ चलते हैं, कॉन्टेंट राइटिंग। अब आप बोलें कॉन्टेंट राइटिंग क्या है? देखो बहुत सारी कंपनीज है जो अपने वेबसाइट के लिए, अपने ब्लॉग्स के लिए, अपने कोई भी कंटेंट लिखवाने के लिए, उसको टाइपिंग कराने के लिए एक फॉर्मेट में एक प्रोफेशनल तरीके से उसको टाइप करना है, लिखना है, कोई भी टॉपिक दे देगी, इस पर एक ब्लॉग लिखना है, उसके बारे में लिखना है। अब कंपनी के अंदर बहुत सारे काम है, बहुत सारे इम्प्लॉयज़ है, कुछ ऐसी कंपनी होती है जो रिमोट जॉब वाले जो है, जो फ्रीलैंसर जो काम कर रहे हैं फ्रीलैंसिंग वर्क फ्रॉम होम, उनसे करा लेती है, क्योंकि उसको हायर करेगी तो बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी जो उसके क्राइटेरिया है, उसको सैलरी देना है, उसको काम हो ना हो सैलरी देना है, लेकिन यहाँ तो काम है तो आपसे करा लिया। तो कंटेंट राइटिंग वेबसाइट के लिए, ब्लॉग्स के लिए, या बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई वीडियो के लिए टॉपिक है, कोई भी टॉपिक दे दिया, तो ऑनलाइन इस पर बहुत काम है। आप कभी आजमा के देखो, आप सोचोगे कि भाई मैं कहाँ था, कहाँ टाइम वेस्ट कर रहा था। तो कभी भी कंटेंट राइटिंग का काम आपको मालूम है तो कभी भी बेकार नहीं रहो, ठीक है। वर्क फ्रॉम होम लग जाओ, पैसा अच्छा खासा मिलता है, भर भर के मिलता है, लोग कमा रहे हैं। अब आप क्यों नहीं कमा रहे हो पता नहीं, आइए अगले काम की तरफ चलते हैं, वीडियो एडिटिंग। कमाल का जॉब है ये, जो आप वीडियो देख रहे हो ना, ये सिर्फ मैंने शूट करके नहीं डाल दिया है, इसमें एक से डेढ़ घंटा मुझे खुद सेल्फ टाइम लगा इसको एडिट करने के लिए। वीडियो शूट करने के बाद बिना एडिटिंग का कोई ना फिल्म बन सकती है, ना कोई टीवी सीरियल बन सकता है, ना कोई इवन आप एक कुछ भी नहीं बना सकते हो। एक ब्लॉगिंग कर रहे हो, कहीं बाहर जा करके कुछ दिखा रहे हो, वो भी नहीं बिना एडिटिंग का नहीं हो सकता है। तो वीडियो एडिटिंग का बहुत काम है और बहुत बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है इसके अंदर में, लाखों करोड़ों में होता है। फ्रीलैंसिंग पे आप वीडियो एडिटिंग का, एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर हो, वीडियो एडिटिंग का काम एक प्रोफेशनल तरीके से आप जानते हो, तो इसे आप फ्रीलैंसिंग पे आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और बहुत भर भर के पैसा मिलता है, और हमेशा ये काम अवेलेबल रहता है। इस काम की एक सबसे बड़ी एक खूबसूरती ये है कि ये काम ख़त्म होता ही नहीं है। कोई अगर आप एक कंपनी भी पकड़ लेते हो ऑफलाइन, चलो वर्क फ्रॉम होम से हट के थोड़ा बात कर लेते हैं, वहाँ पर भी काम की कमी नहीं है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम आप अपने घर पे, आप अपने बेड पे, आप अपने टेबल में, ड्राइंग रूम में बैठ के इसके काम करके पैसा कमा सकते हैं। कमाल का जॉब है एडिटिंग के लिए। आइए अगले जॉब की तरफ चलते हैं, ऑनलाइन कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट। बहुत सारी कंपनी है जो हम कस्टमर केयर पर बात करते हैं ना कि मेरा ये मिक्सी खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा मोबाइल का कॉल नहीं लग रहा है, या ऐसा कुछ भी है, मेरा डेटा पैक खत्म हो गया। उसमें से आपको पता नहीं है क्योंकि आप लाइव नहीं देख रहे हो, आप वीडियो कॉलिंग पे नहीं हो, आप सिर्फ बात कर रहे हो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे सपोर्टिंग जो आपका कस्टमर केयर है, जो सपोर्ट कर रही है, वो अपने घर से है, बेड से, बेडरूम से बात कर रही है, लेकिन आपको पता नहीं है। तो ऑनलाइन कस्टमर केयर, ऑनलाइन सपोर्ट बहुत सारी है, आप इस पर काम कर सकते हैं। ये सारे काम मिलेंगे कहाँ? सारे काम जो एक ऐसी वेबसाइट से जो सिर्फ वर्क फ्रॉम होम, घर से काम, रिमोट वर्क ही दिलाती है। सिर्फ अपने घर से काम आप कर सकते हैं। इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट है, 8-10 वेबसाइट पर जाइए, उसमें से फिल्टर कीजिए, 2-3 वेबसाइट निकालिए, दो तीन वेबसाइट में सबसे जो अच्छी वेबसाइट होगी उस पर बना लीजिए, आप अपनी प्रोफाइल बना लीजिए, पोस्ट कर दीजिए, आपने क्या काम किया सब कुछ बताइए। धीरे धीरे काम, रेट शुरू में कम रखिए, जो पहले से 1 साल 2 साल 3 साल से जो काम कर रहे हैं उसको आप कंपेयर नहीं कीजिए कि भाई उसने उतना डाला है तो हम भी डाल देते, नहीं, शुरू में रेट कम कीजिए, रेट को जेन्युइन रखिए, आपको काम मिलना शुरू हो जाएगा और अच्छा खासा काम मिलेगा, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। दोस्तों ट्रांसलेटर, ऑनलाइन ट्रांसलेटर का भी काम कर सकते हैं। अगर आपको एक भाषा से ज़्यादा, 2-3 भाषा 3-4 भाषे पे, इस लैंग्वेज का आपका अच्छा कमांड है, मतलब नॉर्मल नहीं, अच्छी पकड़ है, जैसे इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, उर्दू हुआ, अरबिक हुआ, या चाइनीज़ हुआ, या बहुत सारी लैंग्वेजेज हैं, 2-3 लैंग्वेज के बारे में आपको मालूम है, आपको सही पकड़ है, तो ट्रांसलेटर का काम बहुत अवेलेबल है। जितना ट्रांसलेटर की ज़रूरत है उतना ट्रांसलेटर अवेलेबल नहीं है, इतना काम है। आप क्या समझते हो, सिर्फ बातें या सुनना और सुनकर ख़त्म कर देना ये सलूशन नहीं है।
लोग पैसा कमा रहे हैं समय के हिसाब से। ये जब से कोरोना आया था ना, बीच में जो पेंडेमिक हुआ था, लॉकडाउन लगा था, उसी बीच में ये जो वर्क फ्रॉम होम या रिमोट जॉब का ट्रेंड पहले से भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन कम था, बहुत माइनर था। लेकिन उसके बाद लोगों को सिखा दिया, एक जीवन एक बदल दिया, एक जिंदगी जीने का एक तरीका बदल दिया, ठीक है ना। जब भी कोई बड़ी सुनामी आती है ना, या कोई बहुत बड़ा अर्थक्वेक होता है, तो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, बहुत सारे चेंजेज आ जाते हैं। आपको पता चले कि यहाँ पे एक तालाब नहीं था, एक नदी नहीं थी, ये नदी इधर जा रही थी, इधर जाने लगी, डायरेक्शन चेंज कर लिया, ठीक है ना। यहाँ पे खड्डा नहीं था, यहाँ पे खड्डा हो गया, इतना विशाल खड्डा हो गया कि इसको भरा नहीं जा सकता है। ये सड़क यहाँ थी, यहाँ से खत्म हो गई, अब फिर दोबारा जो सड़क बनाया जाएगा डायरेक्शन चेंज करके बनाया जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी समस्याएं हैं। तो अर्थक्वेक और जो कुछ भी आपदा होता है ना, कुछ सीखने को मजबूर करती है और हमें कुछ अपने डायरेक्शन को चेंज करने के लिए मजबूर करती है दोस्तों। तो ये कुछ जॉब्स थे, कुछ ट्रेड्स थे, अगर आप कर लेते हो तो यकीनन ये फायदा करेगा। नहीं करते हो, फॉलो नहीं करते हो, तो कुछ नहीं करना है, कोई पैसा नहीं लगता है, इस वीडियो को बंद करना है, निकल जाना है। ऐसे भी कुछ नहीं कर रहे हो तो क्यों ना हो कि कुछ नहीं करने से ज़्यादा बेटर है कि कुछ करके नहीं किया जाए। गॉट इट? अगर समझ में आ गई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं करना ये आपके ऊपर है, लेकिन कर लोगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा दोस्तों। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।